कांग्रेस की बागी विधायक आदिति सिंह के द्वारा आज राम मंदिर निर्माण के लिए जन सहयोग से दिया गया 51 लाख रुपए। हम आपको बताएं कि रायबरेली के एक स्थानीय होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रायबरेली के एमएलए सिटी आदिति सिंह के द्वारा जन सहयोग से दिया गया 51 लाख रुपए। रायबरेली आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के निधि समर्पण अभियान में के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर समर्पण निधि एकत्र की जाएगी। रायबरेली आने का मकसद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हम आपको बताएं कि रायबरेली के एमएलए सिटी आदिति सिंह के द्वारा आज मंदिर निर्माण में जन सहयोग से दिया गया 51 लाख रुपए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए चंपत राय जी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण समाज के लोगों का जोश और उमंग देखकर उनसे प्रेरणा लेने आए हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। इस दौरान यदि कोई निधि समर्पित करता है तो समर्पण की भी प्राप्त कर लेता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के विभिन्न प्रांतों से राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि आ रही है। भारत में कार्य पूरा हो जाने के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुछ प्रक्रिया पूरी की जाती है। उसका पंजीकरण हो जाने के बाद विश्व स्तर के भक्तों की धनराशि स्वीकार की जाएगी। उन्होंने दुनिया के देशों के राम भक्तों से अपील की है कि वे कुछ समय तक प्रतीक्षा करें और जैसे ही पंजीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो उनकी समर्पण निधि भी स्वीकार कर ली जाएगी। समर्पण निधि प्रदान करने हेतु सदर विधायिका आदित्य सिंह द्वारा रायबरेली के शहर के एक गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के चंपत राय जी व साधु संतों के का भाव भरा अभिनंदन किया और कार्यक्रम में ही उन्हें 51 लाख की धनराशि समर्पित की। इस मौके पर सदर विधायक ने आए हुए सभी लोगों के प्रति आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव समेत विहिप व भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। S7 की डेस्क रिपोर्ट। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे पत्रकार बंधु जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं अपना कीमती समय निकाल के, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है आज मैं अपनी तरफ से एवं अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने सारे समर्थक जरूरगढ़ की तरफ से, आज विश्व हिंदू परिषद के माननीय सचिव जी जो हैं चंपत राय जी, उनको हम लोग अपनी रायबरेली की तरफ से 51 लाख की धनराशि श्री राम जन्मभूमि के लिए आज हम लोग समर्पित करते हैं। उसका ये कार्यक्रम है, हम लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से ये अमाउंट सब लोगों ने ये धनराशि कलेक्ट करी है, सब लोगों ने अपना डोनेशन दिया है। जो जितना अपने कर सकता था अपनी व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने उतना उतना डोनेशन दिया है, उन्होंने उतना अपना सहयोग राशि दान करी है। इसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्तागण, समर्थकगण और सभी लोगों को, रायबरेली वासियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी धनराशि जो हम लोगों ने कलेक्ट करी है आज वो हम माननीय चंपत राय जी को समर्पित करते हैं। ये श्रद्धा की बात है, इसमें अब इसमें तो धर्म जानना घुसा ही है। ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज के दिन कम से कम हम पार्टी लाइन पे बात ना करें। ये हमारे लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो आज हो रही है। जैसे पिछली बार भी कुछ पत्रकार बंधुओं से जब इस विषय पे बात करने का मौका मिला था, हमने यही कहा था कि इफ़ एनीथिंग आज मुझे अपने स्वर्गीय पापा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि आई थिंक वो आज के दिन वो इतना अच्छे से पूरा कार्यक्रम हो गया, वो देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत भावुक भी होते हैं। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो हम लोग के जीवन काल में हो रही है। आज की जो आज के कार्यक्रम का की जो पवित्रता है, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी हम उसको बनाए रहें। हम आज पार्टी लाइन पर बात ना करें, हम आज धर्मवाद, जातिवाद, इन सारी चीज़ों से उठ के बात करें। और ये रायबरेली में, मतलब आपके विधायक होने के नाते जो भी धनराशि मेरी तरफ, मेरे समर्थकों की तरफ से जा रही है, वो आप सबकी तरफ से भी जा रही है। ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमारे ज़िले का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग सब बस आशीर्वाद मांगे भगवान से कि अच्छे से कार्यक्रम हो जाए। जो हमने इतनी अपने खून पसीने की जो मेहनत के सब लोगों के पैसे होते हैं, उन्होंने अपने श्रद्धा से दिए हैं, धनराशि को इकट्ठा किया है हम लोगों ने, हम उस चीज़ का सम्मान करें और भगवान से कामना करें कि अच्छे से ये जो हमारा राम मंदिर है ये बन जाए। और रायबरेली वासियों का जितना ज़्यादा सहयोग हो सके, जितना हम लोग श्रद्धा से काम कर रहे हैं, वो चीज़ हमें फली 51 लाख 51। अब कोशिश करूँगी मैं एक नेता हूँ, फर्स्ट टाइम विधायक हूँ, कोई उद्योगपति तो हूँ नहीं, कोई टाटा बिरला तो हूँ नहीं, तो जितना मेरी हैसियत है, जितना मेरी कमाई है, उस हिसाब से मैंने कोशिश करी है कि और बढ़ चढ़ के दूँ। एक ईमानदार नेता हूँ भाई साहब,